दोस्तों भारत में कई रीति रिवाज और परंपराएं हैं। आज आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही दुर्लभ परंपराओं के बारे में जो आज भी आधुनिक भारत में प्रचलित है। भारत में एक ऐसी जिप्सी जनजाति है जो मृत्यु को अपने जीवन का सबसे खुशनुमा पहलू, पल और जन्म को दुख की घड़ी मानती है। मलाना हिमाचल प्रदेश का प्राचीन भारतीय गाँव, जहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान का वंशज मानते हैं और उनकी स्थानीय अदालत प्रणाली की आज भी प्राचीन ग्रीक प्रणाली को ही दर्शाती है। भारत में अति प्राचीन समय से शादीशुदा महिलाएं पैरों में बिछिया पहनती हैं। ऐसा माना जाता है कि बिछिया तंत्रिकाओं पर दबाव डालती है, इससे प्रजनन प्रणाली और स्वास्थ्य दोनों ठीक रहते हैं। भारत के कुछ गाँवों में बच्चों को मंदिर की छत से नीचे फेंका जाता है और नीचे उन्हें वयस्कों द्वारा पकड़ लिया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। दक्षिण भारत के कुछ गांवों में आज भी युवा लड़कियों को स्थानीय मंदिरों को समर्पित किया जाता था और उनकी कुमारी की नीलामी भी के पहले समय में की जाती थी। 1982 में कर्नाटक में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी यह देवदासी प्रथा जारी है। भारत के कुछ गांवों में आज भी पशुओं के विवाह द्वारा वर्षा के देवता को खुश करने की प्रथा जारी है। असम और महाराष्ट्र में मेंढक और कर्नाटक में गधों की शादी इसी का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट भी हमें अवश्य करें। और आपको आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।